तो देखिए ये क्वेश्चन ठीक ही है ना, आसान या डिफिकल्ट के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वरना आप कहेंगे कि आपके लिए तो आसान होगा, रट चुके हैं। ठीक है, और आपको भी एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलेगा कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, अगर ऊपर वन ऐड कर लें और वन सबट्रैक्ट कर लें तो क्या फ़ायदा होगा बताइए। इसके नीचे ये जब डिनोमिनेटर करेंगे कट के वन आ जाएगा, है ना। तो प्रोसीड करते हैं हम लोग, अभी डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में था नहीं, तो हम लोगों ने वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, और क्या हो गया आपका माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो चलिए ये कटा वन आया, जब वन आएगा आपके पास तो पार्सली तो इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंचा आपका, थोड़ा सा इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच गया। अभी ये वाला पार्ट जो है हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, क्या किया जाए, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं, है ना। वो क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ तो आप कहोगे कि टू थीटा तो है नहीं, खैर जो भी है उसका आधा कर देंगे, एक्स है तो एक्स बाई टू कर देंगे। तो यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा को, ये बड़ा पॉपुलर आइडेंटिटी है, तो आप क्या लिखते हो, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आपकी आंखें एकदम लिट हो जानी चाहिए ना, जल जानी चाहिए क्या, कि वन बाई कॉस स्क्वायर को तो सेक स्क्वायर लिखते हैं, और सेक स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेबल होता है, बहुत हम लोग नज़दीक पहुंच चुके हैं, है ना आंसर के, तो हम इसको वन बाई कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं सेक स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा का पूरा आपके पास ये भी इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच गया और ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म पहुंच गया, मतलब अब हमारा पूरी मेहनत खत्म हो चुकी है लगभग लगभग, है ना 90%, अब सिर्फ आप फॉर्मूला रखना है। तो क्या किया जाए, इंटीग्रल चूंकि लीनियर ऑपरेटर होता है ये इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लेगा, वन डी एक्स माइनस कॉन्स्टेंट बाहर और फिर आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो जाएगा, वन का आपका एंटी डेरिवेटिव एक्स होता है और माइनस वन बाई टू, और सेक का क्या होता है टेन एक्स, लेकिन एक्स तो है नहीं, एक्स बाई टू है तो उसका कोफिशियंट नीचे आएगा वन बाई टू प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, और ये टू क्या करेगा रेसिप्रोकेट होगा, ये टू बाई वन आएगा यहाँ से हटेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, ये टू टू कैंसिल कर देंगे, तो वैसे भी यहाँ कुछ नहीं बचा, कोफिशिएंट वन बचा, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।